हाय गाइस, माय नेम इज़ सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मेरे आइकिया हॉल की। जब मैंने आइकिया गई थी तब मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैंने इतना कुछ खरीद लिया है, बट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अ लिटल बिट अबाउट आइकिया। मैं गई थी नवी मुंबई वाले आइकिया में जो है तुर्भे में। सो इट हैज़ टू लेवल्स एंड इट इज़ ह्यूज, बहुत ही बड़ा है। द फर्स्ट लेवल वहाँ पर सारे उनके ऐसे बेडरूम सेटअप्स, किचन सेटअप्स, लिविंग रूम सेटअप्स वैसा है। एंड देन देयर इज़ अ कैफेटेरिया विच इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। उनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका जो सेल्फ सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू नो, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत भारी पड़ेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ जाओ क्या करो। बहुत ही अच्छा सब कुछ बहुत अच्छे से सेटअप किया हुआ है। दैट इज़ समथिंग आई रियली रियली लाइक्ड। द नेक्स्ट लेवल, द ग्राउंड लेवल जो उनका है, वो वहाँ पर यू गेट ऑल दीज ऐसे डेकोर आइटम्स एंड किचन आइटम्स, कटलरी और कुशन एंड होम एसेंशियल्स जैसे। सो इफ़ यू नो, हम लोग 11 o'clock को गए थे हम, और वहाँ पर प्री बुक करना पड़ता है, आपको स्लॉट्स लेने पड़ते हैं। सो हमारा स्लॉट था 11 o'clock का एंड वी केम बैक होम एट अराउंड 5:30 और समथिंग। मतलब हम लोग ऑलमोस्ट 4:30 तक तो हम लोग घूम ही रहे थे बिकॉज इट इज़ ह्यूज और बहुत बड़ा है। एंड यू नो, वी डिड नॉट रियली हैव लाइक अ सेट एजेंडा कि हमको यही लेना है यही लेना है। सो वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड एंड वी वर जस्ट लुकिंग एट थिंग्स एंड देयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड और क्वालिटी के हिसाब से उनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें मुझे डेकोर में स्पेशली ऐसा लगा कि थोड़ी सी ओवर प्राइज्ड है, बट देयर फर्नीचर इज़ रियली गुड एंड आई हैव बॉट अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स एज वेल। आई विल शो यू इन द वीडियो। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विथ सम किचन आइटम्स। किचन आइटम्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है। माई भाभी बेक्स, सो दैट इज़ वाई शी हैज़ बॉट सम बेकिंग वाली चीज़ें। सो दिस इज़ वन ट्रे जिसके ऊपर ऐसे रख के वो केक रखती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट बेकिंग आइटम्स, लाइक आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू बिकॉज यू बॉट दिस। सो जो भी सब चीज़ का प्राइस है मैं वो स्क्रीन पे दे दूँगी बिकॉज इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ नहीं है और जो जो प्राइजेस लिखे हुए हैं सो वी हैवंट गॉट इट इन दैट प्राइस, कम प्राइस में मिला है। सो आई विल मेंशन एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन बट दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट शी गॉट और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। आई डोंट रियली नो हाउ टू रिव्यू बेकिंग असेंशियल आइटम्स बट शी वॉज वेरी हैप्पी विद द परचेज दैट शी हैज़ डन। द नेक्स्ट इज दिस दीज कुकी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको ट्रेज। वाओ, आई फॉरगॉटन द नेम बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो कुकी के लिए होती है, दिस हैज़ फिशेज इन इट। वाओ, दिस इज़ सो क्यूट। एंड दीज प्लास्टिक कलरफुल स्पूंस फॉर माई नेफ्यू, ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस सो वी ऑल्सो बॉट दिस। देन शी हैज़ ऑल्सो बॉट दिस स्पैचुला। ऑल ऑफ दिस इज़ फॉर बेकिंग। दिस इज़ ऑल्सो द बलून विस्क दैट शी बॉट, दिस इज़ ऑल्सो फॉर बेकिंग। ये जो है वो सीव करने के लिए उसने लिया हुआ है। सो इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टू बेक देन दीज आर द थिंग्स दैट यू विल रियली एन्जॉय इन अदर प्लास्टिक स्पून। देन ये मेजरिंग के लिए शी हैज़ बॉट एन अदर प्लास्टिक स्पून। एंड दिस इज़ द मिक्सिंग बोल दैट शी बॉट। शी वॉज वेरी हैप्पी इसको देख कर बिकॉज अभी जो घर में जो वो कुकिंग करती है ना, बेकिंग करती है, तभी शी डज नॉट हैव समथिंग लाइक दिस एंड शी वॉज नॉट गेटिंग लाइक अ गुड क्वालिटी थिंग। वहाँ पर उसको दिख गया तो शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग एट दिस। और उनकी बहुत ही अच्छी साइजेस भी थी, इससे भी बड़ा भी था। सो शी वॉज लाइक, अगर मेरा बड़ा मतलब इफ़ यू नो आई हैव टू मेक लाइक अ बिगर केक आई विल प्रॉब्ली गो देयर एंड गेट इट अगेन। दिस इज़ अनदर समथिंग। ये है वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए जो मार्कर्स होते हैं ना, ये वो है। सो लाइक आई सेड, वो जैसे कलरफुल स्पूंस में हमने मेरे नेफ्यू के लिए लिया है, सो दीज आर ऑल्सो फॉर हिम ओनली। दीज आर मार्कर्स जो चार कलर्स की आती है। वॉट एवर द प्राइस इज आई विल मैंशन इट ऑन द स्क्रीन। सो हम लोग ने अभी तक ओपन नहीं किया है बट आई एम होपिंग ये भी गुड क्वालिटी का ही होगा। बिफोर मूविंग ऑन टू मेरी नेफ्यू के आइटम्स, वी ऑल्सो बॉट दिस फ्राइंग पैन। दिस आई रिमेम्बर वॉज फॉर 2:30 या कुछ एंड माई मॉम वॉज लाइक कि 2:30 में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो वी बॉट दिस फ्राइंग पैन एज वेल। आई एम क्लमजी।
देन ये दो बॉक्सेस का सेट है. सो दिस ऑल्सो मतलब जो भी अच्छे अच्छे प्राइस में था ना, सो बेसिकली मैं मॉम वॉज लाइक, अरे ये बहुत अच्छे प्राइस का है, दिस वी वोंट गेट आउटसाइड ऑल्सो, सो लेट्स जस्ट बाई दिस. सो दिस इज़ वॉट शी बॉट. ये दो का तीन तीन का सेट है, थ्री बॉक्सेस का सेट है. सो दिस ऑल्सो शी बॉट. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर आइटम फॉर माई नेफ्यू. सो दीज आर कलरफुल स्टैम्प्स दैट ही गॉट. इसमें फाइव सॉरी सिक्स सिक्स टाइप की स्टैम्प्स है. हार्ट है, गोस्ट, पॉ प्रिंट, फ्रॉग, सन एंड अ फ्लावर. सो वी हैव यूज दिस एज वेल एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. अच्छे से यू नो बहुत हल्का नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो बार आप करोगे और वो फेड फेड जैसे होने लगेगा या फिर उसका क्वालिटी कम हो जाएगा. लाइट नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. द अदर थिंग दैट वी बॉट फॉर माई नेफ्यू इज़ दिस, आई डोंट नो वट दिस इज़ कॉल्ड, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट दिस इज़ कॉल्ड समथिंग, बट ये ना पेपर है. दिस इज़ लाइक अ रोल, ओके. और ये पूरे पेपर पे प्रिंटेड है, समथिंग लाइक आई थिंक एनिमल्स या कुछ तो प्रिंटेड है. यू जस्ट हैव टू पुल इट एंड आप उसको कलर कर सकते हो. सो यू नो देर माई नेफ्यूज़ एंड मेरे जो कज़िन्स के भी बच्चे जब मेरे घर पे आते हैं, सो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गिव देम समथिंग टू डू, कुछ आपको कलरिंग करवाना है या यू नो बैठ कर आपको उनको टाइम पास करवाना है, सो यू जस्ट पुल इट, टेयर इट और आप सबको एक एक शीट दे सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव लाइक कलर बुक्स या कुछ. सो दिस वॉज अ कॉन्सेप्ट दैट माई ब्रदर रियली लाइक, सो दैट इज़ वाई वी बॉट दिस एज वेल. द नेक्स्ट थिंग दैट वी बॉट इज़ दिस लूफा का सेट. ये सेट ऑफ थ्री है. सो दिस इज़ जस्ट अ रैंडम होम असेंशियल दैट वी गॉट. और वहाँ पर हमने देखा कि उनके जो पिलोज़ हैं, पिलो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. दे हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलोज़ एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली आइकिया इज़ होम फर्निचिंग एंड स्टफ, होम फर्निचिंग फर्निशिंग एंड स्टफ. सो वी बॉट थ्री पिलोज एक्चुअली, बट आई राइट नाउ हैव ओनली टू टू शो यू ऑल. सो द वन ओके फ्रेम छोटा पड़ रहा है मुझे. सो वन ऑफ द पिलोज इज़ दिस. ऐसे हमने दो पिलोज लिए हैं एंड वी ऑल्सो बॉट वन कुशन. सो इस सब का क्वालिटी, ये कुशन के ऊपर मेरी मॉम ने घर का लाइक कवर चढ़ाया हुआ है. सो दिस कवर वॉज नॉट फ्रॉम आईकिया, लेकिन ये कुशन हमने आईकिया से लिया हुआ है एंड ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, बहुत ही सॉफ्ट है. सो वी डू नॉट लाइक एक्सट्रीमली सॉफ्ट वाले जो होते हैं ना, जो पता भी नहीं चले कि पिलो इज़ देयर. सो ये एकदम अच्छा मीडियम सॉफ्टनेस है इसका. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी रियली लाइक. द नेक्स्ट थिंग दैट मेरी मॉम, मेरी भाभी और मेरी जो मतलब रिलेटिव्स हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हमारे साथ गए थे, मेरी दो चाची भी हमारे साथ गई थी एंड दे ऑल वर रियली लाइक, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. सो दैट इज़ दिस कंटेनर, दिस स्टोरेज बॉक्स. सो इसमें दो कलर्स थे, हमने ब्लू लिया है, इसमें पिंक भी था. सो इट इज़ लाइक दिस, ये ओपन हो सकता है एंड समथिंग दैट दे रियली लाइक वॉज के इसमें नीचे व्हील्स भी हैं. सो यू नो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर समथिंग एंड इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू यू पुश इट इन टू अ कॉर्नर या कुछ, सो यू डोंट हैव टू लिफ्ट इट अराउंड. और इसका क्वालिटी और इसका जो जो इसका विद वगैरह है, स्टोरेज का जो साइज़ है, कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है. सो दे रियली लाइक दिस, दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो. दीज आर लाइक होम असेंशल्स एंड वीमेन, मैरिड वीमेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं. आई गॉट एक्साइटेड अबाउट माई स्टोरेज, सो वो मैं आपको बताऊँगी एंड में. राइट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेकोर आइटम्स दैट वी गॉट. सो देर आर अ कपल ऑफ डेकोर आइटम्स. उससे पहले आई ऑल्सो बॉट दिस कैंडल. दिस कैंडल वॉज वेरी अफोर्डेबल, आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 80 रुपीज़ और समथिंग. एंड इसकी जो स्मेल है दैट इज़ सो सो गुड, मतलब आई फील लाइक कि मैं इसको जला कर ही रखूँ या फिर मैं इसको बस स्निफ ही करती रहूँ. दिस इज़ द रैसबेरी वेरियंट एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. इसमें और तीन और दो वेरियंट्स थे, वन वॉज एप्पल वेरियंट था आई थिंक एंड वन वॉज वेनेला वेरियंट. वो वेनेला वेरियंट काफ़ी कोकोनटी स्मेल का था. देन देर वॉज ग्रीन एप्पल एप्पल वेरियंट एंड देर वॉज दिस. सो सबकी स्मेल अच्छी थी बट आई जस्ट बॉट वन कैंडल बिकॉज आई जस्ट नीडेड वन कैंडल. नाउ मूविंग ऑन टू द डेकोर आइटम्स. सो दिस इज़ वन ऑफ द वाज दैट वी गॉट. इसका जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड दिस वुड लुक रियली गुड सिटिंग ऑन योर वैनिटी और सिटिंग ऑन द टेबल. सो दिस वी रियली लाइक.
द नेक्स्ट वाज दैट माई मॉम रियली लाइक्ड. इसमें एक ब्लू कलर भी था और एक और कलर था, आई डोंट रिमेम्बर, बट दिस इज़ अनदर वाज दैट वी बॉट. इन सबका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा, और उनके डेकोर आइटम्स बहुत ही ब्यूटीफुल थे. मुझे उनके डेकोर आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है. आई डिड नॉट रियली, यू नो, आई वॉज लाइक मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, एंड प्लस सारी ही गुड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल रेट पे था. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट इट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज़ दिस रोज़ गोल्ड का छोटा सा वाज. इसमें गोल्ड कलर भी था, बट सिंस आई वॉज बाइंग दीज टू ऑल्सो, सो आई डिड नॉट गेट अनदर गोल्ड. में रोज़ गोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत ही एकदम यू नो, इफ़ इट्स सिटिंग ऑन योर वैनिटी, इफ़ इट्स सिटिंग ऑन द टेबल, इट वुड लुक रियली रिच एंड रियली एलिगेंट. सो दैट इज़ आई रियली लाइक दिस. आई ऑल्सो गॉट द लास्ट टू थ्री थिंग्स ही बची है. आई ऑल्सो गॉट दीज थ्री बॉटल्स का सेट. ये मैंने बहुत बार ऐसे पिंट्रेस्ट पे या ऐसे देखा है कि यू नो, इसको डेकोरेशन के लिए वो लोग यूज़ करते हैं. दे पुट फेरी लाइट्स इन दिस एंड उसको लगाते हैं. सो दैट्स वाई आई गॉट फेरी लाइट्स ऑल्सो. दीज आर बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स. इसमें बैटरी ऑलरेडी है नहीं, सो यू हैव टू बाई बैटरी. एंड आइकिया सेल्स बैटरी ऑल्सो. लाइक वो देख कर आई वॉज अ लिटिल शॉक्ड, बिकॉज आई वॉज लाइक क्या बात है, मतलब बैटरी भी मिलती है यहाँ पे. सो मूविंग ऑन, दीज आई रियली रियली लाइक. ये कुछ 350 की तीन बॉटल्स है. आई एम नॉट श्योर वेदर दीज आर अफोर्डेबल और नो. अमेजोन पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस की मिल सकती है, बट सिंस वी वर इन आईकिया एंड वी वर गेटिंग सो मेनी थिंग्स, सो आई बॉट दिस एंड आई रियली रियली लाइक्ड इट. और द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट आई थिंक द लास्ट थिंग या आई द लास्ट थिंग दैट आई बॉट आर दीज ब्राउन ब्राउन कलर के चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. ये वुड के हैं एंड बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं. चार ड्रॉर्स हैं इसमें एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रॉर्स थे. देयर वाज वाइट था इसमें, और यू नो ड्रॉर्स दैट हैव मार्बल के टॉप्स वैसे भी था. दोज वर ऑफ कोर्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने ये पूरा ही वुड का ड्रॉर लिया है. दे डिलीवर ऑल्सो, लेकिन डिलीवरी का वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं. बट सिंस मतलब वी कुड नॉट रियली कैरी इट. ये मतलब आपको मतलब व्हेन यू सी दीज थिंग्स इन द सेटअप, सो वहाँ पर हर एक फर्नीचर आइटम के ऊपर एक कोड होता है अलॉन्ग विद द प्राइस टैग. वहाँ पर नीचे एक कोड होता है, सो यू जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ इट. और फिर उसके बाद जब आप नीचे उनके वेयर हाउस स्टोरेज एरिया में जाएंगे, सो यू जस्ट हैव टू लुक एट द आइल, यू हैव टू लुक एट द लोकेशन, एंड आप वहाँ जाके सेल्फ सर्विस से आप उसको पिकअप करके अपनी फर्नीचर ट्रॉली पर रख के यू कैन जस्ट चेकआउट. तो हमने वो किया था एंड देन आफ्टर दैट वी गॉट इट डिलीवर्ड टू आर प्लेस. एंड उसको असेंबल भी खुद से ही करते हैं. आईकिया का टाई अप है अर्बन क्लैब के साथ, बट आई एम ऑफ कोर्स आई थिंक अर्बन क्लैब वाले पैसे लेते ही होंगे. बट माय ब्रदर सॉ द फर्नीचर का, मतलब जो ड्रॉअर का ये था, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ आता है, एवरीथिंग इज़ देयर. लाइक द नेल्स वगैरह तो होते ही हैं, बट उन्हें स्क्रू ड्राइवर भी साथ में देते हैं. सो यू नो, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट बाई योर सेल्फ, यू कैन डेफिनेटली डू इट बाई योर सेल्फ. इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बहुत ही क्लियरली सब कुछ दिया हुआ था. सो वी बिल्ड इट आर सेल्फ. माई ब्रदर वॉज वेरी एक्साइटेड. ही इवन सेड के मतलब आईकिया में जाके ना हम फर्नीचर लेते हैं जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड इट. सो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. So that was it. That was all of the things that I bought from my IKEA, from IKEA. So I wish it was my IKEA. But if you like this video, then please like this video, share this video with your friends, subscribe to my channel. It would mean a lot to me. And I will see you in the next video. Till then, bye.